हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज एक न्यू एक्टिविटी लेके आई हूँ, डैट इज़ ब्लो पेंटिंग। काफ़ी सुनने में इंटरेस्टिंग है, राइट? सो ब्लो पेंटिंग कैसे करते हैं और कैसे इसके डिज़ाइन होते हैं और क्या क्या मटेरियल इसमें रिक्वायर्ड होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो पूरी वीडियो देखना, बिकॉज एंड में मैंने आपके लिए कुछ ब्लो पेंटिंग के एग्जांपल्स रखे हुए हैं, सो डैट आप उससे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है? पहले फर्स्ट ड्राइंग ब्लू, जिस पे आप करना चाहेंगे, एंड कलर्स, वाटर कलर्स आप ले सकते हैं, अदरवाइज मैंने फेविक्रिल कलर्स लिए हैं, एक्रैलिक कलर्स। सो इसमें हम वाटर मिक्स करके देन हम ब्लो करेंगे, एंड वाटर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉ। स्ट्रॉ के बिना तो ब्लो पेंटिंग इम्पॉसिबल है, सो स्ट्रॉ हमें नीडेड है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो भी कलर है उस पर आप ऐसे डिप करेंगे। अगर आपका वाटर कलर है तो ऑब्वियसली आप वाटर तो मिक्स करना ही पड़ेगा हर चीज़ में। सो आप इसे थोड़ा सा डिप करें। मेक श्योर कि जो आपका कलर हो वो बहुत ज़्यादा लाइट हो, मतलब उसमें पानी की कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो, सो डैट वो ब्लो कर सके। सो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पानी, खूब सारा पानी, खूब सारा भी नहीं, बिकॉज फिर अच्छे से नहीं बन पाएगा। एंड देन आपको इसे ब्लो करना है। जिस डायरेक्शन में आप इसको करना चाहते हैं आप उस डायरेक्शन में इसको कर सकते हैं। उस डायरेक्शन में आप इसे कर सकते हैं। ध्यान रहे ये इस तरीके से आपको माउथ से इसे ब्लो करते हुए जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए आप उस डायरेक्शन में इसे ब्लो कर सकते हैं। सो हमारी ये ब्लो पेंटिंग बन जाएगी। नाउ आई एम यूजिंग पिंक कलर। पिंक कलर मैंने थोड़ा यहाँ पे लिया, फिर आप शीट पे थोड़ा पिंक कलर रख ले या कोई सा भी कलर रख ले, उसके बाद इसमें पानी मिक्स कर दें लाइक दिस। नाउ फिर से मिक्स करूंगी। सो ये थी मेरी ब्लो पेंटिंग। सो आप इसमें ब्लो पेंटिंग इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्शन में ब्लो करके कलर्स को फैला सकते हैं। एंड अगर मैं पर्सनली एडवाइस करूँ तो ब्लो पेंटिंग के लिए आप एक्रैलिक कलर्स ही यूज़ करें, बिकॉज इसमें पानी मिक्स करने के बाद भी आप इसको बहुत ईजिली ब्राइट कलर होता है पानी मिक्स करने के बाद भी। अगर हम वाटर कलर यूज़ करते हैं तो मोस्टली हम उसमें पानी मिक्स करते हैं तो वो काफ़ी डल हो जाता है कलर, बट एक्रैलिक कलर्स ब्राइट ही रहते हैं। जैसे मैं आपको एक ब्लो पेंटिंग अपने दिखा देती हूँ, इसमें मैंने वाटर यूज़ किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा वाटर यूज़ किया है, बट फिर भी ये ब्लो पेंटिंग इसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है, इसका इतना ब्राइट कलर, रिच कलर है एक्रैलिक का, कि इसमें पानी मिक्स करने के बाद भी ये काफ़ी रिच कलर रहता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली थिक कलर है तो इसमें पानी मिक्स करने से इतनी कोई प्रॉब्लम। एंड में मैंने कुछ फ़ोटोज़ अटैच करी हुई है वीडियो में, तो वो आप देख लें और अपने घर पर ट्राई करें। अगर आपका बच्चा 5 ईयर्स का है या 5 ईयर्स से अबव है तो आप ये ब्लो पेंटिंग ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड कलरफुल एक्टिविटी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।